हम थियोरिटिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेटा जैसा मैंने कल तुम्हें बताया था कि जितने भी थियोरिटिकल क्वेश्चन है हमारे, मेन जो है जैसे उच्चतम निम्नतम आपने सीखा अभी भी करना, तो उच्चतम निम्नतम इनके लिए एक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। उच्चतम निम्नतम के हमारे क्वेश्चन जो है वो सहायता करने के लिए, ये ध्यान रहे। उच्चतम निम्नतम के लिए हमें पहले क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 18 सेंटीमीटर भुजा के तिनके किसी वर्गाकार टुकड़े। ये बेटा हमारा 18 सेंटीमीटर वर्गाकार टिन का एक टुकड़ा है। ये कहता है प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट दिया जाए। इधर से भी एक वर्ग काटा, इधर से भी एक वर्ग काटा, इधर से भी एक वर्ग काटा, इधर से भी एक वर्ग काटा। क्लियर होगी बात। ये कहता है प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर। और बेटा इनको हमने ऊपर जब भाई देखो जब अपना इसको काट दिया, इधर से ये काट दिया तो ये टुकड़ा आपका ऊपर को मुड़ गया, इधर से ये टुकड़ा ऊपर को मुड़ गया, इधर से ये टुकड़ा ऊपर को मुड़ गया, इधर से ये टुकड़ा। तो बेटा एक ये संदूक बन गया, और संदूक कैसा, ढक्कन रहित, यानी ढक्कन इसके ऊपर नहीं है। तो ये कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के टुकड़े को किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। ये कह रहा है ये जो वर्ग आपने काटा इसकी भुजा कितनी लें ताकि जो बनने वाला संदूक है वो कैसा हो, महत्तम आयतन का, महत्तम आयतन ठीक है, उसका आयतन उच्चतम, यानी उसमें पानी हवा जो भी आप भरना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा भरी जा सके। अब बेटा ध्यान दें, जैसे हमारी छत पर टैंक रखे होते हैं और होते हैं, तो उन सब की कैलकुलेशन पहले इसी से की जाती है कि पानी ज्यादा से ज्यादा आए, प्लास्टिक कम से कम लगे। तो यहां भी तो वही चीज हो रही भाई, ये जो वर्ग आप काट रहे हो, इस वर्ग को मान लो ये 18 है पूरा, तुम इसको सपोज करो 3x3 के काट दो वर्ग यहां से, तो 3x3 बड़ा छोटा छोटा सा हो जाएगा। फिर तुम 5x5 के काट दो, वो काफी बड़ा, फिर संदूक काफी ऊंचाई ऊंचा सा हो जाएगा। तो हमें मेन चीज क्या है, आयतन ज्यादा से ज्यादा इसका रहे। तो बेटा इसके लिए हमने मान लिया, तो बेटा इसी कैलकुलेशन करने के लिए तो ये पढ़ रहे हो उच्चतम न्यूनतम, संदूक का आयतन उच्चतम हो ये बात हमें प्रूव करनी है। माना काटे गए वर्ग की भुजा एक्स सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग आप काट रहे हो हमने मान लिया इसकी जो भुजा है वो एक्स सेंटीमीटर है। चलो जब आपने एक्स का काटा और आपका संदूक बना, तो संदूक की विमाएं क्या क्या होंगी। संदूक की लंबाई बेटा ये होगी यहां से यहां तक की, तो संदूक की लंबाई कितनी रहेगी आपके पास, 18 - 2x। भाई एक्स इधर से कट गया, एक्स इधर से कट गया, 18 - 2x। ऐसी चौड़ाई भी कितनी रहेगी भाई, 18 - 2x। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रहा होगा। अब रह गया बेटा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी इसकी, ये जो एक्स था भाई इस एक्स को आपने ऊपर की साइड को ऐसे मोड़ दिया, तो जब ये हो गया आपके पास लंबाई होगी आपके पास 18 - 2x सेंटीमीटर, चौड़ाई भी होगी 18 - 2x सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी होगी बेटा आपके पास एक्स सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे यहां से तब संदूक का आयतन, तो संदूक का आयतन कितना, वॉल्यूम भी, आयतन क्या हो जाएगा बेटा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो आयतन भी बराबर, आप इनका मान रख दें, तो बेटा लंबाई आ गया आपके पास 18 - 2x, चौड़ाई भी 18 - 2x तो होल स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई x, इस पे आपने समीकरण नंबर 1 डाल दी। तो बच्चों अब आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया, किस चीज का, ये आपका क्वेश्चन अब उच्चतम निम्नतम का बन गया। अब बेटा उच्चतम निम्नतम की बातें तुम्हें सारी पता ही है, इससे आगे सेम वही कहानी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें करके बताऊंगा क्योंकि तुम्हारा एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dx इज इक्वल टू भाई पहला फलन 18 - 2x पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज, और बेटा एक्स का अवकलन आ गया 1 प्लस इस बार एक्स एज इट इज और इसका अवकलन किया आपने 2 × 18 - 2x, फिर 18 - 2x का करा तो 0 - 2। क्लियर है बात यहां तक। तो ये आ गया बच्चों आपके पास dv/dx इज इक्वल टू, मुझे लग रहा 18 - 2x तो पूरे में से कॉमन ही आ गया, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेटा 18 - 2x के होल स्क्वायर से एक बाहर चला गया
तो अंदर भी रह गया आपके पास 18 माइनस 2x। यहाँ देखो 18 माइनस 2x बाहर चला गया, तो माइनस के 2 दूनी 4 माइनस के, तो ये आ गया आपके पास माइनस 4x। तो ये आया आपके पास dv अपॉन dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, और यहाँ आया आपके पास 18 माइनस 6x। इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने इस पे, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी क्लियर भी होगी होगी। उसके बाद यहाँ एक लाइन आप लिखते थे, अब तो सबके याद हो गया होगा कि भाई x के सभी मानों के लिए, सारे मानों के लिए हमने क्या किया, dv अपॉन dx बराबर 0 रखने पर। बेटा जब आपने 0 रखा तो 0 बराबर 18 माइनस 2x, और यहाँ आया 18 माइनस 6x। अब बच्चों हमें तो x का मान चाहिए भाई, भाई दोनों ब्रैकेट को आपने एक एक को 0 के बराबर रखा, तो फर्स्ट पार्ट 18 माइनस 2x बराबर 0, तो बेटा x बराबर आ गया 9। उसके बाद सेकंड पार्ट में 18 माइनस 6x बराबर 0 रखा, तो x बराबर आ गया आपके पास 3। अब बच्चों x के जो मान है इनमें से सही कौन सा है, अब इसको छांटने के लिए हम क्या करेंगे, उच्चतम निम्नतम चेक करेंगे। भाई अगर हमारा x बराबर 3 पर उच्चतम आ गया, महत्तम आ गया, तो हमारा तो x बराबर 3 ट्रू है, सही है। तो जांच करने का क्या तरीका आप लोगों को बताया था, जांच के लिए आपको बताया था पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो आपने लिखा यहाँ से समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब बच्चों आपने 2 का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी आपको दो फलनों की गुणा दिखाई दे रही, तो भाई 18 माइनस 2x एज इट इज, और दूसरे का आपने अवकलन किया तो 0 माइनस 6 प्लस, इस बार भाई 18 माइनस 6x आपने एज इट इज रखा और 18 माइनस 2x का अवकलन किया आपने 0 माइनस 2। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बात सभी को। तो इसको आपने लिख दिया d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 की गुणा होगी, तो माइनस 6 18 माइनस 2x, और यहाँ भी माइनस 2, और ये आ गया आपका 18 माइनस 6x। इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों इसमें आप x का मान रख रख के चेक करेंगे, सबसे पहले x बराबर 9 रखने पर। तो जब आप x बराबर 9 रखोगे तो d2 अपॉन dx स्क्वायर, भाई देखो 9 दूनी 18 0, भाई तो पूरा 0 ही हो गया, और यहाँ आपने 9 रखा, 9 चिक 54 माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस की गुणा कितना आ गया प्लस, यानी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया हमारा, है ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है, फलन यानी संदूक का आयतन, फलन यानी वी क्या होगा आपका, निम्नतम, क्योंकि इस पर क्या होता था बेटा उल्टा चलता, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। अब आप सेकेंडली चेक करो कि x बराबर 3 कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो जब आप x बराबर 3 रखोगे तो d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 3 रखा आपने, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 तो बाहर था ही, 3 दूनी 6 18 से 6 गया, कितना आ गया आपके पास 12, और माइनस 3 रखा, 3 चंग 18 तो हो गया 0, तो यानी फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव। तो जब भाई ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन यानी आपका वॉल्यूम वी क्या है आपका, उच्चतम। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो बेटा ये प्रूव किस पर आई, x बराबर 3 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3 जो है आपका वो क्या है, सत्य है, और x बराबर 3 का सत्य है। अगर तुम्हें x का ही दुकान बताना था कि कॉर्नर पे जो वर्ग आप काट रहे हो वो कितने बाई कितने के होने चाहिए, तो कितने बाई कितने काटने चाहिए आपको बेटा, 3/3। अगर आप 3/3 के कॉर्नर काटोगे तो बनने वाला जो संदूक होगा उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये बात कुछ बच्चों की समझ में आई भी होगी। तो बेटा इस पर आधारित बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 18 ट्राई करेंगे, 17 तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो अभी मैं और भी क्वेश्चन तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में इसने दिया है, सिद्ध कीजिए एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत, ये बेटा आपने एक सर्कल बना लिया, इट इज सर्कल, ये कहता है सिद्ध कीजिए दिए हुए सर्कल दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, बेटा अगर आप इसके अंदर आयत बनाते हो, ये इट इज रेक्टेंगल इट इज आयत, ये आपने बनाया, और ये बेटा क्या है इसका सेंटर,
तो सेंटर कहाँ से होके जाएगा आयत का, ये डायगोनल से यानी विकर्ण से होके जाएगा, ये ओ, ओ क्या है यहाँ पर, ओ है वृत्त का केंद्र, क्लियर। इसको आपने लिख दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है आपका एक आयत। अब देखो फाइनली प्रूव करना क्या, ये कहता है सिद्ध कीजिए दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये बेटा एक एक लाइन देगा तुम्हें, चित्र भी खुद बनाना, क्वेश्चन भी खुद तैयार करना, थ्योरी भी खुद, आंसर भी खुद। इसने कहा कि एक सर्कल के अंदर अगर आप आयत बनाते हो और इस आयत का आपने क्षेत्रफल निकाला, फिर एक और बड़ा आयत बनाया उसका क्षेत्रफल निकाला, तो बेटा जितने भी आयत बनेंगे उन सबके क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा तो वो किसका होगा, वर्ग का। यानी जब क्षेत्रफल महत्तम आएगा उस समय लंबाई और चौड़ाई आयत की इक्वल हो चुकी होगी। समझ में आ रही मेरी बात, जिस समय आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम आएगा भाई तुम इसको बढ़ाओगे थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ाओगे थोड़ा और बढ़ेगा, तो जिस समय इस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम आएगा तो उस समय लंबाई चौड़ाई इक्वल हो चुकी होगी, यानी आयत आपका वर्ग में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो आप मान ले बेटा यहाँ आयत की लंबाई क्या मान लिया आपने एक्स, और आयत की चौड़ाई क्या मान लिया आपने वाई। तो आप लिख दें यहां से, माना लिख दे मैं बोल रहा हूं, वृत्त के अंतर्गत बने आयत की लंबाई, माना वृत्त के अंतर्गत बने आयत की लंबाई x व चौड़ाई y सेंटीमीटर है, भाई सेंटीमीटर मान लो इसने तो शायद कुछ नहीं दी, तथा 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 ये जो सर्कल है आपका वृत्त, इसकी आप परिधि भी कुछ मान लो, सॉरी परिधि नहीं त्रिज्या, तथा इस वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी मान लिया आपने स्मॉल r है, तब समकोण त्रिभुज, भाई ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है यहां से ए बी सी से, तो क्या देख रहे हैं आप ए बी सी से भाई, एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये आर है तो ये आर है तो टू आर, यानी कर्ण कितना आ गया आपके पास टू आर का स्क्वायर, क्लियर होगी बात यहां तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू आर का होल स्क्वायर, इस पे हमने डाला समीकरण नंबर एक। तो बेटा ये हमारी कहीं ना कहीं काम देगी। अब मेन चीज आपको उच्चतम न्यूनतम की समीकरण बनाना, तो उच्चतम क्या करना हमें, बना हुआ जो आयत है इसका क्षेत्रफल। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर आयत, बेटा ये बात आपको मैं कल से सिखा रहा हूँ कि जिसपे भी आप उच्चतम न्यूनतम लिख रहे हो वही आपका क्वेश्चन है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू क्या होगा, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए इज इक्वल टू लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। बेटा इसको हमें क्या करना, इस क्षेत्रफल को हमें क्या करना, महत्तम सिद्ध करना है। तो इसको महत्तम सिद्ध करना है का क्या मतलब हुआ, या तो पूरा क्वेश्चन एक्स में हो या पूरा क्वेश्चन वाई में हो, कल भी यही बात सिखाई थी आपको। तो मुझे लगता है कि आप वाई से एक्स में कन्वर्ट कर लो समीकरण एक की हेल्प से। तो समीकरण एक से कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर और ये आ गया फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर वाई आ जाएगा शायद, हाँ फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाई रखने पर, तो वाई के बदले आप ये मान रख दो। तो बेटा क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू एक्स, वाई के बदले हमने क्या रख दिया रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर होगी बात। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है काहे का बन गया, उच्चतम निम्नतम का। अब उच्चतम न्यूनतम का क्या तरीका होता है, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वही सब कुछ। लेकिन मैं तुम्हें एक वास्तविकता बता दूं, आप इस क्षेत्रफल को उच्चतम प्रूव करना चाह रहे हो, बट अगर क्षेत्रफल उच्चतम प्रूव ना करके तुम क्षेत्रफल के स्क्वायर को उच्चतम कर दो, भाई बात तो वही हुई भाई, तुम किसी आयत का क्षेत्रफल उच्चतम सिद्ध करना चाह रहे तो आयत के क्षेत्रफल को कर दो या उसके स्क्वायर को कर दो। स्क्वायर से मेरा मतलब अगर कोई आयत सबसे बड़ा है तो उसका अगर आप वर्ग करें यानी स्क्वायर करें तो वो भी तो बड़ा ही होगा, मतलब तुम्हारी सुविधा के लिए, ताकि रूट हट जाए, केवल इसलिए, बाकी आप डायरेक्ट भी करें तब भी होगा ये। तो आपने लिखा यहां पर दोनों और वर्ग करने पर, तो जब दोनों और वर्ग किया आपने ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर
और ये आ गया 4r² - x². क्लियर। तो बेटा इसको आप क्या कर लो, मान लो, मान ये क्वेश्चन की सुविधा के लिए, बाकी तुम नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। z = 4r² - x². देखो रूट हट गया केवल इतनी बात के लिए। तो अब आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये आ गया dz/dx = फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड का अवकलन तो 0 - 2x + ये आया आपका 4r² - x² और x² का आ गया आपके पास 2x। तो बेटा पूरे क्वेश्चन में से कॉमन ले लें, तो ये आया आपका dz/dx = तो बेटा ये था, ये मैंने उधर से एज इट इज ही नोट कर दिया ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो यहाँ आप देख रहे पूरे क्वेश्चन में मुझे लग रहा है x कॉमन आ जाएगा, तो जब x कॉमन चला गया तो -2x² और बेटा प्लस x बाहर चला गया यहाँ से, x क्या मुझे लग रहा 2 भी बाहर ही ले लो तुम, बेटा 2x बाहर ले लो, तो -x² 2x बाहर चला गया प्लस 4r² और -x², तो ये आया आपके पास dz/dx = 2x। यहाँ देखो आप 4r² - x² कितना आ गया -2x². तो इसको आपने समीकरण 2 डाला, उसके बाद का कार्यक्रम तुम्हें पता ही है कि बेटा x के सभी मानों के लिए dz/dx = 0 रखने पर, तो जब आप 0 रखोगे तो 0 = ये आ गया आपका 2x और यहाँ आया आपके पास 4r² - 2x², तो इधर आके 0 हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो x = 0, और x = 0 का मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल, मैथ की लंबाई 0 दौड़ाई हो जाएगी। सेकंड पार्ट 4r² - 2x² = 0, -2x² = -4r² - कैंसिल, तो x² = 2r² और x = √2r, हालांकि प्लस माइनस रूट टू आर होना था लेकिन भुजा माइनस में नहीं होती, तो बेटा x = 2r। उसके बाद का काम हम क्या करते हैं, पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप समीकरण 2 का अवकलन करोगे फिर x का मान रखोगे, तो जब आप x का मान रखोगे तो d2z/dx² क्या जाएगा, <0 लेस देन जीरो का मतलब क्या आगे, क्षेत्रफल आपका महत्तम। तो बेटा थोड़ा सा काम तुम खुद करोगे क्योंकि ये थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप ही है, तो यानी आपका जो महत्तम मान आया तो इसका मतलब x = √2r आपकी करेक्ट वैल्यू है, ये सत्य है, अर्थात क्या हुआ बेटा x = √2r कैसा है, सत्य है। तो x का मान अगर √2r है तो y = भी कितना आ गया √2r, कहां से, समीकरण, ये थी भाई समीकरण एक से। तो भाई x और y देखो, जब क्षेत्रफल महत्तम आया तो x और y दोनों ही बराबर आ गए, तो x और y दोनों को बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः महत्तम क्षेत्रफल जो होगा वो किसका होगा भाई, वर्ग का होगा। तो मुझे उम्मीद है क्लियर होगी होगी बात। तो बेटा देखो कल संडे, कल मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, तो ध्यान दे इस बात पे, आज भी मैं ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, तो बेटा ज्यादा काम मैं तुम्हें नहीं दे रहा, केवल 2 क्वेश्चन ट्राई करने 18 और 20 और उदाहरण 34, 35, 36, कल की छुट्टी भी है। बेटा एक काम और करना, अगर तुम्हें किसी को टिपिकल लग रहे हैं तो एक बार मेरे कराए हुए करके इन्हीं को आप बिना वीडियो देखे खुद करें जो तुम कर चुके, बेटा इनकी 1-2 बार तुम प्रैक्टिस करो एक बार, तब तुम्हें अच्छे से लगे। अब हम सोमवार को काम देंगे तुम्हें, और बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैं सारे कराऊंगा, तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आप लोग इसको करें, ट्राई करें, नहीं होगा आप मेरे से पूछें।